आइए आज आपको फोटोग्राफर की एक सनसनी कहानी बताते हैं। बात है उस तारीख की जब 27 घंटे सबसे सुरक्षित बैंक और 900 करोड़ की लूट को लेकर था। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। फ्रांस में हुई उस बैंक राबरी की जिसमें डकैती ने 27 घंटे तक लूट और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था। कारण था उसके मेन गेट में लगा सिक्योरिटी वॉल्ट और बैंक की मजबूत दीवारें। लेकिन डकैतों ने इतनी चालाकी से इससे इस बैंक लूट को अंजाम दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। 19 जुलाई 1970 फ्रांस की नीस शहर। यहाँ रोजाना की तरह सुबह के समय सोसाइटी जनरल बैंक में कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉल्ट था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था। रोज यहाँ बैंक की वॉल्ट को अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते। उस दिन भी कर्मचारी बैंक की वॉल्ट को खोलने के लिए अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते। उस दिन भी कर्मचारी बैंक के वॉल्ट को खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन वो नहीं खुला। बता दें इस वॉल्ट का वजन करीब 10 टन था। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का जो लॉक था अक्सर जाम हो जाया करता था जिसे वॉल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट बैंक पहुंच गए। उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार उनसे भी ये दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। उधर बैंक के बाहर ग्राहकों की भी भीड़ लगी हुई थी। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और वॉल्ट कंपनी के एक्सपर्ट ने तय किया कि दरवाजे में छेद करके देखा जाएगा कि आखिर वॉल्ट खुलने में दिक्कत कहाँ आ रही है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे जिससे कि यह लग सके कि किसी ने उसे खोला है या फिर खोलने की कोशिश करी है। हेवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। यह मंजर देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना लाजमी था क्योंकि वॉल्ट के दरवाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था और ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। वॉल्ट को अनलॉक करके भी दरवाजा खुल सकता था तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड करके बंद कर दिया। ये सवाल सबके मन में था। फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए लेकिन ये दीवारें भी काफी मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना मुमकिन नहीं था। इसमें लोहा भी लगा हुआ था। खैर कई घंटों की मेहनत के बाद इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता है। जब अंदर का मंजर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। बैंक कर्मचारियों ने देखा कि वहां जमीन पर एक सुरंग बनी हुई है। अब आगे का काम पुलिस का था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो गए थे। जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर निकली। पुलिस को मौके से काफी सामान मिला जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें 27 गैस सिलेंडर थी जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना, इन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था।
ये लूट 20 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज के जमाने में कीमत 110 मिलियन डॉलर यानी 900 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। ये उस दौर की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को पता लग चुका था। पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई जिन्होंने इस बैंक राबरी को अंजाम दिया। 3 महीने के बाद यानी अक्टूबर 1970 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बता दिया। पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी झिझक के यह कबूल कर लिया कि बैंक राबरी का मास्टरमाइंड वही है। अल्बर्ट ने बताया कि उसने पहले इस बैंक में लॉकर लिया था, फिर बहाने से वहां जाकर सारी चीजों की फोटो ली थी। उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक लगा रखा था, जिसका अलार्म रात के समय पर सेट कर दिया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहां और कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पाया कि अगर वह सीवरेज लाइन में 26 फीट का टनल बनाए तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इसके लिए शहर के गैंग स्टार से कॉन्टेक्ट किया और उसे अपना प्लान बताया। उस गैंग स्टार ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने के लिए 2 महीनों का वक्त लग गया, क्योंकि ये काम बिना मशीन के किया जा रहा था और इस काम को रात के समय ही किया जा सकता था। कोर्ट में तब अल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहाँ रखा है, इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिखकर जज को दी। कहा कि वो इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। जज जब उसे कमरे में लेकर गए और कोर्ट के बारे में पूछने लगे तो अल्बर्ट ने मौका पाते ही कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी। वहां पहले से ही एक बाइक खड़ी थी, अल्बर्ट तुरंत उसमें बैठा और वहां से फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी वह नहीं पकड़ा जा सका। कई साल बाद उसका इंटरव्यू एक इटली के चैनल में ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें उसने बताया कि उसे 12 साल की उम्र से ही खजानों को ढूंढने का शौक था और ये शौक उसने बैंक राबरी से पूरा किया। इसके बाद अल्बर्ट कहां गया किसी को कोई पता नहीं। ऐसी ही सच कहानियों को सुनने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि ऐसी ही मजेदार सच की कहानी मैं आपके सामने लाती रहूँ।